गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर मैथ्स क्लास सो स्टूडेंट्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न हाउ टू डू द मल्टीप्लीकेशन बाय अ टू डिजिट मल्टीप्लायर पिछले क्लास में हमने सीखा कि टू डिजिट मल्टीप्लायर से मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं सो वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज फोर पॉइंट सेवन एंड टूडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन आज हम क्या सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्राम द एक्सरसाइज फोर पॉइंट एट पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फोर पॉइंट एट के अंदर ठीक है सो लेट्सार्ट विथ टूडेज मैथ्स क्लास properties of multiplication. So the first property of multiplication is called order property. The product of two numbers does not change when we interchange the order of numbers. iska matlab ye hai product. अगर हम दो numbers को multiply करते हैं, तो उसका जो product आता है, वो change नहीं होता है. अगर हम उन दो numbers को reverse order में भी लिखते हैं इंटरचेंज करते हैं या रिवर्स ऑर्डर में भी लिखते हैं उन दो नंबर्स को तो भी हमारा प्रोडक्ट दोनों टाइम क्या आएगा सेम नंबर आएगा सो आर प्रोडक्ट विल नॉट चेंज इफ वी इंटरचेंज और इफ वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ नंबर्स फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स इज इक्वल टू हाउ मच टू मल्टीप्लाइड बाय सिक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व टू सिक्स ज ट्वेल्व यस या नो यस अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऑर्डर्स ऑर्डर ऑफ नंबर वी विल चेंज हियर टू विल बी रिटर्न ओवर हियर एंड सिक्स विल बी रिटर्न ओवर हियर हम क्या करेंगे इनके ऑर्डर रिवर्स करेंगे या नंबर्स को इंटरचेंज करेंगे सो वी विल राइट सिक्स इन द प्लेस ऑफ टू we will give multiplication sign and then we will write 2 in the place of 6 ab 2 multiply by 6 ho gaya 6 multiply by 2 so here we have reversed the order of multiplication पहले हमने टू और टू multiply by सिक्स किया था टू पहले था सिक्स बाद में था अब हमने उल्टा किया है सिक्स पहले लिखा है और टू बाद में लिखा है But द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर्स विल नॉट चेंज योअर प्रोडक्ट सो सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू इज़ ऑल्सो इक्वल टू ट्वेल्व ओनली सो इन बोथ द केसेज आर प्रोडक्ट रिमेन द सेम दोनों केसेस में हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेम नंबर आया है इसीलिए द ऑर्डर ऑफ नंबर विल नाट चेंज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फॉर एग्जाम्पल थ्री मल्टीप्लाइड बाय फोर इज इक्वल टू हाउ मच थ्री मल्टीप्लाइड बाई फोर इज इक्वल टू ट्वेल्व एंड इफ़ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर्स मतलब फोर पहले लिया मल्टीप्लीकेशन साइन दिया और फिर थ्री लिया फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री वील ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच ट्वेल्व ओनली फोर थ्री ज ट्वेल्व तो दोनों केसेस में हमारा प्रोडक्ट क्या आ रहा है सेम नंबर आ रहा है सो so, यहाँ पर ये ऑर्डर प्रॉपर्टी हो गई सो एनी टू नंबर्स इन एनी टू नंबर्स इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड देयर प्रोडक्ट

तीन नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनमें से अगर हम किसी दो नंबर्स को एक साथ ग्रुप कर रहे हैं पहले और फिर बाद में हम वो ग्रुपिंग चेंज भी कर रहे हैं। तो भी अगर हम ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स चेंज भी कर रहे तो भी हमारा जो प्रोडक्ट आएगा फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा वो सेम नंबर ही आने वाला है सो ग्रुपिंग ऑफ नंबर इफ़ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स स्टिल द प्रोडक्ट ऑफ दो थ्री नंबर्स विल बी द सेम ये है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई सिक्स सो यहाँ पर हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साथ टू थ्री और सिक्स तो यहाँ पे वी हैव थ्री केसेस केस वन वी कैन ग्रुप टू एंड थ्री टूगेदर पहले हम टू और थ्री को एक साथ मल्टीप्लाई करके भी मल्टीप्लीकेशन का आंसर लगे सो टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री इज इक्वल टू हाउ मच टू थ्री सिक्स। एंड सिक्स मल्टीप्लाइड बाई इक्वल टू हाउ मच थर्टी सिक्स सो केस वन में आंसर क्या आया थर्टी सिक्स सो हियर वी हैव ग्रुप्ड टू एंड थ्री टूगेदर इन केस टू वट वी विल डू नाउ वी विल ग्रुप थ्री एंड सिक्स टूगेदर देन वी विल मल्टीप्लाई बाय टू तो यहाँ पर थ्री और सिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री एंड सिक्स थ्री मल्टीप्लाईड बाई सटीन एंड एटीन मल्टीप्लाईड बाई टू सो एटीन टू जा थर्टी सिक्स सो आंसर फिर से क्या आया थर्टी सिक्स सो केस वन में भी थर्टी सिक्स आया केस टू में भी थर्टी सिक्स आया अब केस थ्री देखते हैं सो so, टू और थ्री ग्रुप कर लिया 3 और 6 कर लिया। अब 6 और ग्रुप ग्रुप कर अब सिर्फ का गुरुप, गुरुप एक साथ करना बाकी है सो हैल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थ्री सो ही टू टूगेदर ओके नंबर सेम ही रहेंगे टू थ्री और सिक्स इन तीनों को ही एक साथ मल्टीप्लाई करना बस हम ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स चेंज करें यहाँ पे टू और थ्री को एक साथ ग्रुप किया यहाँ पे थ्री और सिक्स को अब लास्ट में सिक्स और टू को एक साथ ग्रुप करेंगे नाउ सिंस वी आर ग्रुपिंग सिक्स एंड टू टूगेदर सो वी विल मल्टीप्लाई दिसज नंबर फर्स्ट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई टू इज इक्वल टू हमर सिक्स टू ज ट्वेल्व अब ये ट्वेल्व जो आया है इनका जो प्रोडक्ट आया है इसको मल्टीप्लाई करो थ्री से ट्वेल्व मल्टीप्लाइड बाय थ्री ट्वेल्व थ्री ज थर्टी सिक्स ओके सो ये हो गई ग्रुपिंग प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स रिमेंस द सेम व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी multiplication by one property the product of a number and one is the number itself so and uh, so this property means whenever we multiply any number by one the product will be the number itself अगर हम किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा जो आंसर आएगा वो क्या होगा वो वही नंबर होगा For example, let's take one example. I have written examples over here. For example, here 436. मल्टीप्लाइड बाय वन तो नंबर क्या है यहाँ पे 436 अगर हम 436 को वन से मल्टीप्लाई करते तो आंसर में क्या आएगा सेम नंबर वही नंबर आएगा आंसर में सो फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू 436 ओनली सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय वन इज इक्वल टू द नंबर इट सेल्फ सेकेंड एग्जाम्पल नाइन्टी एट मल्टीप्लाई बाय वन सो यर मल्टीप्लाइंग द नंबर नाइनटी एट बाई वन तो जब भी हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा वही सेम नंबर आएगा तो नाइन्टी एट इंटू वन आंसर विल बी नाइन्टी एट ओनली थर्ड एग्जांपल एट हंड्रेड नाइन मल्टीप्लाइड बाई वन तो वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसका मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा वही सेम नंबर एट हंड्रेड एंड नाइन ओके सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन बाय वन प्रॉपर्टी नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर फोर मल्टीप्लीकेशन बाय ज़ीरो प्रॉपर्टी द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड ज़ीरो इज ऑलवेज अ ज़ीरो सो एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो विल बी इक्वल टू ज़ीरो होंगे किसी भी नंबर को अगर हम ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा ज़ीरो होगा लेट्स टेक एग्जाम्पल फ़र्स्ट एग्जाम्पल वन हंड्रेड ट्वेंटी वन मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो सो यहाँ पे वन हंड्रेड ट्वेंटी वन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे तो प्रॉपर्टी क्या कहती है किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो तो आंसर में जीरो आएगा तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा ज़ीरो नेक्स्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो तो यहाँ ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब आंसर में हमेशा जीरो ही लिखेंगे सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी सिक्स मल्टीप्लाई ज़ीरो आंसर क्या आएगा ज़ीरो So, in this way, we have finished with the properties of multiplication. Now, we will solve the exercise 4.8, which is based on the properties of multiplication. Without actual multiplication, fill in the following blanks. So, here they have given us few examples, and we have to fill up the blank spaces without actually. डूइंग द मल्टीप्लीकेशन ओके हमने मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है सिर्फ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है मल्टीप्लीकेशन की कोई भी कैल्कुलेशन नहीं करना है मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके ही ब्लैंक स्पेस फिलअप करने हैं सो फर्स्ट एग्जाम्पल ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाय डैश डैश इज़ इक्वल टू थर्टी एट मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फ़ाइव तो यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे थर्टी एट और ट्वेंटी फाइव का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल टू होता है यहाँ पे ट्वेंटी फाइव है और यहाँ पे मिसिंग नंबर है यहाँ पे थर्टी एट है और ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी क्योंकि ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है किसी भी दो नंबर्स को हम अगर रिवर्स ऑर्डर में चेंज रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो भी हमारा प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा सेम नंबर होगा तो यहाँ पे थर्टी एट मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव है तो यहाँ पे ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा थर्टी एट

पहले सिक्सटी एट था फिर थर्टी नाइन था अब यहाँ पे पहले थर्टी नाइन है तो यहाँ पे क्या आएगा बाद में सिक्सटी एट सो सिक्सटी एट मल्टीप्लाइड बाई थर्टी नाइन इज इक्वल टू थर्टी नाइन मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी एट दिस इज़ दी ऑर्डर प्रॉपर्टी हमने ऑर्डर चेंज करा इंटरचेंज करे नंबर्स थर्टी एट सॉरी थर्टी नाइन के जगह हमने लिख दिया सिक्सटी एट और सिक्सटी uh, एट की जगह लिख दे यहाँ पे थर्टी नाइन इंटरचेंज करा है रिवर्स करा है ऑर्डर तो भी हमारा प्रोडक्ट सेम आ रहा है नाओ क्वेश्चन नंबर फाइव वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय डैश डैश इज इक्वल टू नाइन्टी एट मल्टीप्लाइड बाय वन हंड्रेड सेवेंटी थ्री सो स्टूडेंट्स नाउ यू हैव टू गेस विच प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज़ ओवर हियर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम यहाँ पे अगेन वी विल यूज़ दी ऑर्डर प्रॉपर्टी तो यहाँ पे 98 एट मल्टीप्लाइड बाई वन है तो यहाँ पे 98 एट के जगह पे हमने 173 लिख दिया तो 173 हंड्रेड के जगह पे यहाँ पे आएगा 98 तो ऑर्डर चेंज हो गया तो भी प्रोडक्ट क्या आ रहा है दोनों समय सेम नंबर आ रहा है इसलिए यहाँ पे बीच में इक्वल टू साइन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय नाइन्टी सिक्स मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव सो हियर अगेन वी विल यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुपिंग तो नंबर्स की ग्रुपिंग अगर चेंज होती है और नंबर्स सेम है तो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या आएगा सेम नंबर आएगा सो सेम थ्री नंबर्स इफ़ यू मल्टीप्लाई एंड इफ यू मल्टीप्लाई द सेम थ्री नंबर्स एंड वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स स्टिल द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स विल बी द सेम तो यहाँ पे ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई बाय नाइनटी सिक्स मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फाइव है तो सेम यहाँ पे सेम नंबर है बस इन तीनों में से कौन सा नंबर मिसिंग है ट्वेंटी फाइव है नाइंटी सिक्स है तो ट्वेंटी थ्री मिसिंग है ट्वेंटी थ्री सो दिस इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन 548 हंड्रेड फोर्टी एट मल्टीप्लाई बाय सो हियर वी विल यूज द थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज मल्टीप्लीकेशन बाय वन Any number multiplied by 1 is equal to that number only. So 548 multiplied by 1. Ki gaya happy answer? 548 only. And the last question from today's exercise: question number 10. 5607 multiplied by 0. So any number multiplied by 0 is equal to how much?

And till then, thank you. See you in the next class.